नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन इस साल किया जा रहा है। इसी के तहत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नीट IIT JEE की परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए स्पर्धा परीक्षा का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया, जिसमें जिला के 4411 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। आपको बता दें, इस परीक्षा में 75 टॉपर विद्यार्थियों को नीट IIT JEE की परीक्षा में तैयारी मुफ्त कराने की घोषणा जिलाधिकारी नीमा अरोरा द्वारा प्राध्यापक वसीम चौधरी की चौधरी कोचिंग क्लासेस के साझा प्रयासों के साथ की गई है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन इस साल किया जा रहा है। इसी के तहत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नीट IIT JEE की परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए स्पर्धा परीक्षा का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया, जिसमें जिला के 4411 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 75 टॉपर विद्यार्थियों को नीट IIT JEE की परीक्षा की तैयारी मुफ्त कराने की घोषणा जिलाधिकारी नीमा अरोरा द्वारा प्राध्यापक वसीम चौधरी की चौधरी कोचिंग क्लासेस के साझा प्रयासों के साथ किया गया। 9 अप्रैल को इसी कार्यक्रम के दूसरे चरण में विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के दिन सुबह से ही परीक्षा के लिए जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों और उनके पालकों की देखी गई। विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा था। पूरे जिले में 42 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा पुलिस बंदोबस्त के बीच ली गई। लोगों से हमें क्वेश्चन पूछा गया कि ये आइडिया किस तरह से आया। हमने आज से 2 साल पहले सुपर 30 का एग्जाम लिए थे, जिसमें यश सोनकुशल नाम के बच्चे को रैंक मिला था और उसका 2 साल का पूरा एजुकेशन फ्री हुआ था। आज उस बच्चे ने अपने पूरे विदर्भ का नाम पूरे देश में चमकाया। अकोला के साथ साथ उसको 705 नंबर आए और पश्चिम विदर्भ से एम्स दिल्ली में लगने वाला जो अपने देश का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, उसमें पहला स्टूडेंट है। तो जब हमने उसको पूछे थे यश को कि आपके कुछ सजेशन है क्या, तो उसकी भी एक राय थी कि सर मेरे जैसे और भी बच्चे अपने विदर्भ में हैं, अकोला में, जिनको अपने चांस देना चाहिए, जो पैसों की वजह से बड़े बड़े क्लास या ट्यूशन नहीं लगा सकते। अगर उनको चांस मिलता है तो अपने अकोला से, मैं अकेला नहीं और भी 10 बच्चे अपने अकोला से एम्स दिल्ली के अंदर लग सकते, जिससे अपने अकोला जिले का नाम पूरे देश के अंदर रोशन हो।